जिला सिरमौर के उपमंडल संगड़ाह के अंतर्गत मां भाग्यानी मंदिर हरिपुर धार शक्तिशालिनी दरबार में श्रद्धालुओं का तांता हमेशा लगा रहता है। सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़ीधार में श्रीगुल महाराज विराजमान हैं। कहा जाता है कि एक बार श्रीगुल महाराज हाट के लिए दिल्ली गए और वहां पर महाराज को बंदी बना लिया गया था और उन्हें कोठरी में कैद किया गया था, जिसके बाद राजा के भ्रष्ट सैनिकों ने जैसे ही पता लगा कि कोठरी में उन्हें बंद किया गया है तथा पहाड़ से गए नगरवासियों को वे नाजायज तंग करते थे। वास्तव में ये हुआ कि वहां पर बागड़ देश में गुगा महाराज को काक द्वारा संदेश भेजा गया कि महाराज किसी संकट में पड़े हैं, तो गुगा महाराज बंदरवा से बाहर घूमने निकलते हैं। जब उन्हें पता चला कि गुगा द्वारा श्रीगुल महाराज के राजाओं के सैनिकों ने उन्हें बंदी बनाकर कोठरी में बंद कर दिया है और अब हिमाचल देवभूमि का राज कौन करेगा, गुगा महाराज को जब इसका पता चला तो वे श्रीगुल महाराज जी जहां पर वे राज कोठरी में बंद थे वहां भोगण राज महल के झाड़ू लगाते हुए पहुंचे और कोठरी के पास गए तो वहां पर गुगा महाराज ने उनसे संपर्क किया। भोगान ने झाड़ू से इशारा करके उस कोठरी का कक्ष बताया और श्रीगुल महाराज को बंदी से छुड़वा कर चूड़ाधार पहुंचाया। बताया जाता है कि चूड़ेश्वर महाराज ने माँ भवानी को दिल्ली से लाकर अपने समीप हरिपुर धार जिला में मंदिर के रूप में विराजमान करवाया और धर्म की बहन बनाया और गुगा महाराज को धर्म का भाई। कहा जाता है कि यहाँ पर शक्तिशाली माँ भवानी लोगों के हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और दूर दराज से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। जो भी इस माँ भवानी मंदिर में मुरादें लेकर आता है, माँ भवानी उसकी मांगे अवश्य पूरा करती हैं। ये जो माँ भगवती भंगानी देवी है, ये श्रीगुरु महाराज की एक धर्म बहन है, क्योंकि जब दिल्ली में श्रीगुरु महाराज जी कैद हुए थे तो माँ भंगानी ने उनको छुड़ाया था और बागड़ देश से गुगा महाराज ने दोबारा शक्ति दे करके, क्योंकि श्रीगुरु महाराज की शक्ति बिल्कुल भ्रष्ट हुई थी, उसके बाद दोबारा शक्ति दे करके गुगा महाराज ने माँ भंगानी के अपने साथ धर्म बहन बना करके यहाँ साथ लाया और ये उपदेश दिया कि जहाँ तक तेरा मुँह रहेगा वहाँ तक तेरा राज्य रहेगा। ये श्रीगुरु महाराज इसको माँ हरिपुर धार मंदिर में लाए और मंदिर में ला करके अपने साथ अपनी मूर्ति को स्थापित करने का आह्वान किया, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर लोग सीधे माँ भंगानी के मंदिर में जाते थे, परंतु जो यहाँ पर एक शिला निकली है जिसके ऊपर की पूरे मंदिर का पूरा शरिया या जितना भी मटेरियल है उसी पत्थर पर काटा गया था, परंतु बाद से जब यहाँ पर ज़्यादा ही दाव बढ़ा तो श्रीगुरु बोलता है कि तू तो मेरी धर्म बहन है, मेरे से ऊपर नहीं जा सकती। तब तीन बार यहाँ पर बिजली शक्ति हुई और उसके बाद यहाँ पर श्रीगुरु महाराज के द्वारा अपने आप यहाँ पर जितनी भी टाइलें जितनी बार लगाई गई थी वो भी बार बार उखड़ दी गई, परंतु तब यहाँ पर श्रीगुरु महाराज स्वयं उतरे जो कि घनिता बोलते हैं और उन्होंने बोला कि लोग पहले मेरा दर्शन करेंगे बाद से माँ का तेरा दर्शन करेंगे। तब से माँ भगवती की इतनी असीम कृपा है कि यहाँ देश विदेश से लोग यहाँ पर आते रहते हैं और ये भी एक पर्यटक स्थल बनने जा रहा है। यहाँ पर सभी लोग आते हैं, दिन के श्रद्धालु आते हैं, लाखों के हिसाब से चढ़ावा चढ़ता है और मंदिर की पूजा अर्चना होती है सुबह शाम और हर वक्त यहाँ पर बड़े भारी श्रद्धालु आते रहते हैं। धार्मिक आस्था का केंद्र है और लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं और मन्नत मानते हैं और माता भंगानी अवश्य उसको पूरा करती है। जैसे इतिहास में अगर घटित हुआ जो उस दौरान माँ भंगानी जो है दिल्ली में जब गुगा महाराज जी कैद थे तो उस समय गुगा महाराज की जो है मदद की थी माँ भंगानी ने और श्रीगुरु महाराज को छुड़ाया था और उसी आस्था का प्रतीक मानते हुए उनको जो है यहाँ पे देवी रूप में स्थापित किया था और आज ये देवी जो है हमारे महल क्षेत्र नहीं अपितु पूरे जिला सिरमौर और हिमाचल प्रदेश में जो है विख्यात हुई है और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हमें आज माता के दर्शन प्राप्त हुए हैं और होते रहेंगे और लोग यहाँ पे मन्नत मानते हैं और वो अवश्य पूरी होती है। ये शक्तिशालिनी माँ भंगानी है जिसकी वजह से माता भंगानी का पता लगा है कि ये यहाँ का जो काउंटर
चौरा टिकरी दशहरा और ये सारा जो महल क्षेत्र है, जब यहाँ लोग दंगल चुगाने बकरी लेके लोग आते थे तो इस ठहर माता को कहीं को प्रत्यक्ष दर्शन हुए। और यहाँ पर एक छोटा सा एक लिंग टाइप होता था, यहाँ पर जो है भेड़ी बकरी वाले आते थे और वो पत्थर जो पैदा हुआ तो उसको काट अगले दिन काटते थे, दूसरे दिन पैदा हो जाता था। तो इसी करके कई बार प्रत्यक्ष रूप में जब हेड पैदा हुई तब लोगों को पता चला कि कोई माता का जो है प्रतिष्ठा हुई है। जी पहले जो महल क्षेत्र से अब दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ बहुत सारा जो क्षेत्र है शिमला जुबल कोटखाई उत्तराखंड पोटा सारे जो है विकास नगर बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे अपने स्थल लेके आते हैं।